हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ममता पाल फैमिली ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ कुछ छोटी सी खरीदारी करने। चलिए फ्रेंड्स, आपको भी ले चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पर मार्केट में। मेरे पास कप भी ख़त्म हो रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ कप भी देख रही हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के यहाँ पर कप आ रहे हैं। मैंने यहाँ से दो दर्जन कप खरीदे हैं। फ्लावर्स भी हैं यहाँ पर इस वाली शॉप पे, सब तरह के फ्लावर्स मिलते हैं। मैं जब भी कप लेती हूँ तो इसी वाली शॉप से आकर लेती हूँ। सभी तरह की वैरायटी है यहाँ पर और सभी तरह के डिजाइन हैं। कप की ज़रूरत तो हमें रोज़ ही पड़ती है, इसलिए मैंने इकट्ठे दो दर्जन कप यहाँ से खरीद लिए हैं। और यह है हमारी यहाँ की सुपरमार्केट। आज आपको मैं यहाँ की सभी मार्केट दिखाती हूँ। यहाँ पर अलग अलग तरह की सभी तरह की शॉप है। यहाँ पर मैं बेकरी से मुझे कुछ लेना था, बिस्किट वगैरह, और मैं यहाँ पर भी आ गई हूँ। इस वाली बेकरी के बिस्किट बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं जाती हूँ इसी वाली बेकरी से लेती हूँ। ये पड़ती है, काफ़ी दूर है, लेकिन मैं यहाँ से ही लेकर जाती हूँ। नमकीन बिस्किट और सूजी वाले यहाँ पर सभी तरह के बिस्किट और रस वगैरह मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से खरीद लिए हैं। ये 30 रुपये वाला पैकेट है, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अब मैं घर पर आ गई हूँ। मैंने यहाँ पर इसमें मूली काट कर चढ़ा दी है कुकर में। आज बना रही हूँ मैं मूली की भुजी। मूली उबल चुकी है। मूली तो अब सीजन की आउट ही है, अब तो जाने वाली है मूली, इसलिए मैं मूली की भुजी सर्दी में बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं जब तक मूली आएगी तब तक ये भुजियाँ बनाती रहूँगी। बहुत ही अच्छी लगती है खाने के साथ, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता मूली की भुजी बनाने में। और मैं अपने खाने में आज मूली की भुजी और दाल बना रही हूँ।